तो ये देखिए कितना मस्त लगता है, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए लगभग इसकी हाइट होगी 20-25 फीट से ज़्यादा होगी लगभग इसकी हाइट। तो इसके ऊपर हम चढ़ने। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम आए हाथीवाटा घूमने और दिखाते हैं, चलिए आपको हाथीवाटा। गाइस ये एक ऐतिहासिक स्थल है हाथीवाटा, और यहाँ पर गणेश चतुर्थी को मेला भी लगता है। तो गाइस देखिए कितना बड़ा हाथी है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे खड़ा होके। देखिए कितना कितना ऊँचाई, देखिए मैं पूरा आ गया। ये देखिए 6 फुट तो यहाँ से ऊँचाई है लगभग, ये 6 से ज़्यादा। और इसके नीचे भी इधर इधर दिखाई, इसके पैर देखिए कितने मोटे मोटे हैं, ये देखिए इसके पैर है ना। और इसके नीचे भी जगह है जाने की। तो गाइस इधर देखिए, इधर इधर यहाँ से ना बच्चे यहाँ से फिसलते हैं यहाँ से। और देखिए गाइस ये कितना ऊँचा है, देखिए। तो शानदार शॉट, कैमरामैन गिर चुका है। कैमरामैन गिर चुका है, शानदार शॉट नहीं रची। ओफो लग गए यार। गाइस इसके कान पर देखते हैं, ये हाथी के कान पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये हम पढ़ने में असमर्थ है और शायद आप भी नहीं पढ़ सकोगे इसे। बहुत पुरानी भाषा लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये बहुत लगभग 5000 वर्ष पुराना है, कौरव पांडवों के समय का गाइस ये हाथी। तो ये देखिए कितना मस्त लगता है, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए लगभग इसकी हाइट होगी 20-25 फीट से ज़्यादा होगी लगभग इसकी हाइट। तो इसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, तो नहीं तो आपको ऊपर चढ़ के दिखाते, क्योंकि इसकी पूजा होती है तो हम तो नहीं चढ़ेंगे। कि बाकी फिर भी बहुत से लोग चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। और देखिए इसके चारों तरफ से ऐसा है ये, ये देखिए आपको दूर से दिखाता हूँ इधर से भी, ये देखिए कितना मस्त है। और इसके पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। गाइज ये राजस्थान के टोंक जिले में है, और ये टोंक जिले से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो वहाँ से कोई राजा था जिसको काट कर ले जाना चाहता था वो। गाइज वो चाहता था कि मैं इसे अपने महल के बाहर रखूँ, महल के बाहर मतलब स्वागत के लिए इसे अपने महल के बाहर खड़ा करूं। तो गाइस इसे ले जाने के लिए वो राजा जो था वो अपने कुछ लोगों को यहाँ से इसे ले जाने के लिए भेजा था। तो उन लोगों ने इसको ले जाने के लिए यहाँ से नीचे से काटने की कोशिश करी। दोस्तों देखो चारों पैर में आपको दिखाता हूँ, चारों पैरों को और सूंड को नीचे से काटने की कोशिश करी। और फिर हुआ क्या कि क्या पता वो क्यों ले जा नहीं पाया शायद। ये देखिए इसका ये वाला पैर देखिए, और इस वाले पैर को भी देखिए, यहाँ से भी नीचे से काटने की कोशिश करी गई है। देखिए मसाला लगा हुआ है यहाँ भी, और इस वाले पैर को भी देखिए गाइज, इसको भी काटने की कोशिश करी गई है। और इस वाले पैर को भी देखिए गाइज, इसको भी काटने की कोशिश कर गई है। और ये है सूंड, ये देखिए सूंड को, इसको भी देखो, सूंड को भी काटने की कोशिश करी है। मैं आपको बाहर से उधर से दिखाता हूँ, ये देखिए गाइज, ये देखिए इसको भी काटने की कोशिश करी गई थी यहाँ से। तो इसके भी ये लगा हुआ है मसाला, और मस्त बना हुआ है गाइज, देखिए कितना बड़ा है, कितना मस्त बना हुआ है। मतलब पहले कितना शानदार तरीके से बनाई गई, ये आप तो जानते हैं कि ये जो ये लगा हुआ है घुंघरू लगा हुआ है बजने का ये। और इस पर देखिए हाथी की जो बिछाने की जो होती है ना दरी, वो भी बनाई गई है देखो। और ये कुछ बंधा हुआ है यहाँ पर, वो बांध रहे हैं कि उसको आती है ना, ये देखिए ये वो बांधने की जो रस्सी होती है ये वो बनाई गई है गाइज। और ये कितना ऊंचा है ये देखिए गाइज, इसके नीचे पूरा एक आदमी खड़ा हो जाता है। ये देखिए गाइज मैं इसके नीचे खड़ा हुआ हूँ अभी, देखिए ये देखिए। और इसकी गाइज इसकी नाभि वगैरह मतलब पूरा कंप्लीट बनाया गया है गाइज, एकदम से पत्थर को तराशा गया है मतलब गाइज। ये देखिए इस पर तो गाइज जिन्होंने भी इस हाथी को बनाया था उन्होंने यहाँ पर हवन भी किया था, और हवन करने के लिए यहाँ पर कुंडी भी बनाया था। देखिए यहाँ पर ये जो थाली भी बनाई हुई है, और यहाँ पर वो हवन के लिए बनाया हुआ बीच के अंदर की जिसमें आहुति डाल करते हैं वो बनाया। और ये थालियाँ बनी हुई है पूरी 64 थाली है गाइज, ये चारों ओर बनी हुई, देखिए आप दिख रही होगी आपको चारों ओर बनी हुई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइज इन सबसे बड़ी इन थालियों के बारे में एक अफवाह है, वो मैं तो अफवाह ही कहूँगा क्योंकि मुझे तो सच लगता नहीं वो, और अपन करके देखते हैं। तो गाइज इनके थालियों के बारे में अफवाह ये है कि लोग बोलते हैं कि ये 64 थालियाँ है पूरी। अब जब इनको आप सीधे से गिनते जाओगे तो 64 आएगी, और फिर आप उल्टे से गिनोगे तो इसमें एक दो कम हो जाएगी गाइज। तो चलिए हम गिन के देखते हैं आज ही ने कितनी 64 या पूरी कितनी है, तो देखते हैं गाइज। तो गाइज चलिए गिनते हैं अपन इस थालियों को कि कितनी है, देखिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़चास उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ। तो गाइस ये पूरी 64 थालियाँ हैं और चलते हैं अब इनको एक बार फिर वापस उल्टे से गिनेंगे। तो इधर से देखते हैं इधर से कितनी होती है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़चास उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ। तो गाइस ये पूरी 64 थालियाँ हैं, चाहे इसे उल्टे से गिनो चाहे उल्टे सीधा सीधे से गिनो कि इधर से भी गिनो, पूरी 64 थालियाँ हैं। और ये जो अफवाह थी ये अफवाह ही है, ये सच नहीं है। तो गाइस चलिए अपन घूमते और इधर पास में देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लोग भी आते हैं और भी लोग आते हैं, ये देखिए कुछ लोग उधर भी है और कुछ इधर भी है। दो कुंड बने हुए हैं यहाँ पर गाइस, इनमें पानी भरा रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है गाइस। और ये बारिश का पानी भरा रहता है गाइस, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और इसमें क्या है, कई जानवर भी मर जाते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें निकलने की जगह नहीं है, इसके अंदर पैर फंस जाते हैं नीचे ये, क्योंकि चट्टाने का आकार जो है वो है इसी शेप का आकार, ऐसा ही है मतलब आकार उनका चट्टानों का, तो उसमें नीचे जाकर पैर फंस जाते हैं। और ये पानी हमेशा भरा रहता है और निकलने की भी जगह नहीं है गाइस, इसमें आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि इसमें फिनिशिंग है कोई, मतलब इंसानों से भी निकला नहीं जाता गाइस इसमें, क्योंकि ये इसमें पकड़ने का कुछ है ही नहीं पकड़ कर निकलने का। तो गाइज इस वजह से यहाँ पर जब कभी भी आओ तो आप इनका थोड़ा ध्यान रखें इनका कुंड का। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।